जय गुरुदेव। आज सेकेंड डे हम लोग का रोड ट्रिप है। बांकुड़ा से पुरुलिया जा रही हूँ हम लोग। बांकुड़ा बिहारीनाथ छोड़ के हम लोग पुरुलिया अयोध्या पे जा रही हूँ। आज हम लोग स्टे करेंगे मयूर पहाड़ के पास। हमारे साथ रहना और देखते रहना ये वीडियो। सुबह हम लोग चाय पी रही हूँ और अयोध्या के लिए निकल रही हूँ बिहारीनाथ से। हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ बांकुड़ा बिहारीनाथ से। देखो इसी होटल में हम लोग थे। लोकेशन, होटल का लोकेशन बहुत अच्छा है। पीछे है बिहारीनाथ पहाड़। 1000 में ये ट्रिपल बेड आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर। बिहारीनाथ पितृभूमि होटल में हम लोग कल स्टे किया था। बहुत ही अच्छा, परिसेवा बहुत अच्छा है यहाँ पर। खाना आगे से मिलते नहीं है, आप लोग बोलेंगे तो खाना बना के देंगे। बहुत अच्छा है, चीप है, बहुत सस्ता है। 1000 में आप ट्रिपल बेड मिल जाएगा, ट्रिपल बेड। तो और पीछे है बिहारीनाथ पहाड़ है पीछे, बहुत ही खूबसूंदर। होटल भी बहुत अच्छा है, स्पेसियस है। ये देखो आगे बिहारीनाथ पहाड़ है। चलो हम लोग सेकेंड डे जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ बांकुड़ा बिहारीनाथ पहाड़ से पुरुलिया की तरफ। अब हम लोग पहले बरंती जाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी अयोध्या। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सेकेंड डे हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ बिहारीनाथ पहाड़ से। जा रही हूँ पुरुलिया के तरफ। ये बांकुड़ा है, हम लोग ये बिहारीनाथ छोड़ के आगे जा रही हूँ। आगे है बरंती। हम पहले बरंती जाऊंगी, उसके बाद अयोध्या पुरुलिया जाएंगे। चलो अयोध्या जाऊंगी, बहुत ही सुंदर है। देखो आगे ये पहाड़ है और एक पार्क भी है। ये बिहारीनाथ पहाड़ है। पहाड़ का नाम क्या है? बिहारीनाथ पहाड़। बोल और कुछ कैसा लग रहा है बिहारीनाथ? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग ट्रेक नहीं कर पाए। अगर ट्रेक होता तो उससे भी बहुत अच्छा लगता। देखो क्योंकि आप लोग जब घूमने आएंगे ना शिवरात्रि के टाइम, आप दर्शन कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेला चल रहे हैं बिहारीनाथ में तो। लेकिन ट्रेकिंग 4 दिन के लिए बंद रहते हैं शिवरात्रि के दिन से अगले 3 दिन तक। बदमाशी करेंगे इसलिए पहाड़ को बंद कर दिया। पहाड़ को बंद करके रखा है, ऊपर जाना मना है शिवरात्रि के टाइम बिहारीनाथ में। चलो बहुत ही खूबसूरत लग रहे है। ये देखो हम लोग बांकुड़ा में है, एंजॉय कर रही हूँ। पोलाश, आजा बच्चे, दिखा क्या है ये। बाबा, हम लोग जा रही हूँ बरंती के तरफ। बरंती आगे है। जगह जगह पे रुक जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। देखो पीछे एक छोटा सा पोंड है और उसके पीछे है माउंटेन, पहाड़ है उसके पीछे ये बिहारीनाथ पहाड़। हम लोग रुक गए हैं और देखो पीछे एक लाल रेड वाला जो फ्लावर का ट्री है वो शायद ये पलाश फ्लावर नहीं होगा, ये शिमूल फ्लावर। चलो बहुत ही सुंदर है नज़ारा। रोड ट्रिप का तो ये मज़ा है, जब कोई जगह अच्छा लग जाते हैं हम लोग रुक जाते हैं और एंजॉय करती वो जगह। चलो हम लोग यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए। बहुत ही नैरो है ये रास्ता बहुत ही नैरो है। फिर हम लोग एक बार रुक गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये पुरुलिया का सीनिक ब्यूटी। देखो बहुत ही सुंदर एक जगह है। खेती है लेकिन ये खेत में कोई फसल नहीं है तो हम लोग रुक गए हैं, फोटो खींचा है और उसके बाद फिर हम लोग चलने लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये पुरुलिया। एकदम सामने हमारे पहाड़ है। कैसा लग रहा है बाबा? बहुत अच्छा व्यू है। ये देखो सामने जंगल है, जंगल है सामने, माउंटेन भी है। माउंटेन, और हम कहाँ जा रहे हैं? हम लेक जा रहे हैं, बरंती लेक जा रहे हैं। सुंदर है, जंगल के अंदर से जा रही हूँ हम लोग। बहुत अच्छा लग रहे हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल। और ये देखो हमारा पक्षी गुरु जी के।
देखो सुंदर है ये जंगल है। आप लोग पलाश फ्लावर एंजॉय करना चाहते हैं तो मार्च महीने की लास्ट वीक में आना, तब पलाश बहुत सारी आ जाएगा पेड़ में। देखो 200 मीटर बाद लेप जाना पड़ेगा, ये गांव के अंदर से जा रही हूँ हम लोग बरंती। बरंती गांव। देखो ये बरंती लेक, चलो हम लोग बरंती लेक में आ गई हूँ। ये है बरंती लेक, बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पर रिसोर्ट है, बहुत रिसोर्ट है। आप लोग आके बरंती में स्टे कर सकते हैं, वन नाइट स्टे कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आसपास घूम के आप लोग यहाँ आके स्टे कर। बरंती लेक है, हम लोग उस साइड जाएंगे, वो जो पहाड़ है पहाड़ की तरफ जाऊंगी, लेकिन ये रास्ता बहुत ही नैरो है, चलो जल्दी ये रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर जगह, देखो बहुत अच्छा लग रहे है, बरंती लेक है पीछे। चलो यहाँ पर हम लोग गाड़ी रुक दिया, लेकिन गाड़ी रुकने का जगह नहीं है, बहुत ही नैरो है। चलो आगे देखो नजारा, ये देखो आगे वाला नजारा बहुत ही। हम लोग लेक के उस साइड में जा रही हूँ और आगे देखो माउंटेन है, बहुत ही खूब सुंदर लग रहे है। ये बरंती घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। बरंती लेक के साइड से हम लोग जा रही हूँ, बहुत ही खूब सुंदर नजारा है। हम बिहारीनाथ में आ चुकी हूँ लेकिन बरंती में नहीं आई। बरंती बहुत ही खूबसूरत जगह है, दो दिन आउटिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग रुक सकते हैं बरंती में, बहुत सारी रिसोर्ट भी है। और बिहारीनाथ पहाड़ से बरंती का डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। आप लोग एक दिन आएंगे नाइट स्टे करेंगे और दूसरे दिन आप लोग बरंती और बिहारीनाथ पहाड़ घूम सकते हैं। और बिहारीनाथ में आप लोग ट्रेक भी कर सकते हैं, दो तीन घंटा ऐसा ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा धीरे चलेंगे तो दो घंटा में आप लोग ऊपर जाएंगे और एक घंटा में नीचे आ जाएंगे बिहारीनाथ में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, दो दिन यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए। हमारे ये दो बच्चे ट्रेकिंग करने के लिए पागल हो गए, तो बरंती इस साइड आके हम लोग रुका है और थोड़ा ये माउंटेन के ऊपर चढ़ के हम लोग नीचे आ गए हैं। हेलो दोस्तों, ये वेलगेट बे और पहाड़ी की वहाँ बहुत ही सुंदर नजारा लग रहा है और यहाँ ट्रेन आने वाला है, तो वीडियो क्यों नहीं करते? चलो आगे ट्रेन आ रहे हैं, आगे ट्रेन आ रहे हैं, देखो तो दोस्तों वो देखो मेरे मम्मी ब्रदर क्या कर रहे हैं उधर, फोटो खींच रहे हैं। ट्रेन और वीडियो करो। हाँ, बोलो ट्रेन आ रहे हैं। ट्रेन आ रहे हैं सामने से, आप देखते जाइए, वो ट्रेन बहुत ही सुंदर है। ये देखो ट्रेन पास कर रही है, कौन सा जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ बहुत ही सुंदर। कोलकाता से बहुत ही नजदीक ये बांकुड़ा पुलिया घूमने के लिए। रास्ता के दोनों तरफ थोड़ा बहुत पलाश फ्लावर है, लेकिन इस बार कम आए हैं पलाश फ्लावर, इस बार बहुत कम ही आया है पलाश। फिर हम लोग रुक गए हैं यहाँ पर, फोटो खींच रही हूँ पलाश फ्लावर का। जब भी अच्छा लगते हैं हम लोग रुक जाते हैं और फोटो खींचते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं। फिर हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर दिया है। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर पलाश है, हमने तो माला भी क्यों पलाश कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो हम पलाश से फूल ले आए हैं, लाल पहाड़ी में हूँ, लाल पहाड़ी झूठी है, ये झूठी है, झूठी है। हम कहाँ पर है, लाल पहाड़ी में हम ये पलाश ट्री का जंगल के साइड से जा रही हूँ। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं इस बार फ्लावर कम आए हैं, सचमुच बहुत ही कम आए हैं। देखो बहुत सारी पलाश ट्री है लेकिन फ्लावर नहीं आया है, ज़्यादा फ्लावर नहीं आया है इस बार। जहाँ पर देखती हूँ पलाश फ्लावर है ट्री पे, वहाँ पर ही हम लोग रुक जाते हैं। देखो पीछे पलाश फ्लावर है, हम लोग रुक गए हैं यहाँ पर फोटो खींचने के लिए। नज़ारा बहुत अच्छा है, इस साल ज़्यादा पलाश नहीं हुआ है लेकिन तब भी अच्छा लग रहे हैं। बांकुड़ा छोड़ के हम लोग बहुत टाइम पहले ही पुरुलिया आ गए हैं
अब हम लोग अयोध्या हिल पे जाएंगे। हम लोग आ गए हैं अयोध्या हिल पे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू अयोध्या हिल। अब हम लोग हिल पे चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रही हूँ अयोध्या हिल का ऊपर में चढ़ाई है, ये चढ़ाई रास्ता चढ़ रहे हैं हम लोग अयोध्या हिल। सेकंड डे हम लोग जर्नी फिनिश किया है पुरुलिया, और ये है अयोध्या पहाड़। एक्चुअली हम अब जो लोकेशन में है, ये लोकेशन है मयूर पहाड़। मयूर पहाड़ के नीचे हम लोग आज स्टे करूँगी। ये है देखो होटल, होटल अच्छे है, ये होम स्टे है, एसपी होम स्टे है। यहाँ पर हम लोग आज स्टे करेंगे। हम लोग रूम पे आ गए हैं और लगेज रखा है, लॉन्च किया है। अब जा रही हूँ मयूर पहाड़ में। पूरा दिन हम लोग गाड़ी पे था, अब यहाँ पर दोपहर में आ गए हैं, गाड़ी रखा, लॉन्च किया, अब मयूर पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। मयूर पहाड़ में इसी रास्ता पे जाना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत गाड़ी भी चलते हैं ऊपर, लेकिन हम लोग ट्रैकिंग करके जा रही हूँ। हमारे होटल से मयूर पहाड़ की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, लेकिन हम लोग खुद गाड़ी लेके नहीं गए हैं, गाड़ी होटल पे रख दिया है और हम लोग पैदल ही जा रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन गाड़ी पे बैठ बैठ के थक गए हैं, इसलिए पैदल चलना अच्छा लगते हैं। और हम लोग ट्रैक करना भी पसंद करती हूँ, इसलिए पैदल ही चल रही हूँ। हम अयोध्या मयूर पहाड़ में हूँ, ये है मयूर पहाड़ अयोध्या। सनसेट होने से पहले हम लोग पहुँच गए हैं मयूर पहाड़ के टॉप में। सनसेट होने वाला है अयोध्या मयूर पहाड़। बहुत सुंदर लग रहे हैं ये नज़ारा। हमारे दो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मयूर पहाड़, और यहाँ पर छोटा छोटा रॉक है, रॉक के ऊपर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। रॉक क्लाइंबिंग कोर्स चल रहे हैं दोनों का, ऐसा ही लग रहे हैं। ये छोटा छोटा रॉक है, बहुत ही सुंदर है। सनसेट देख के हम लोग नीचे चल जाएंगे, सनसेट होने वाला है। देखो सनसेट का नज़ारा मयूर पहाड़ से। ये पाखी पहाड़, मयूर पहाड़, बार बार मैं पाखी पहाड़ बोल रही हूँ। सनसेट हो गए, सन उस तरफ सेट हुआ है, इस तरफ बहुत ही अच्छा छवि पिक्चर आ रही है। देखो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है।